दस मार जब देखा कि सुनसान और एक जवान लड़की यहाँ है, तो इसका शैतान इसके पहले भी ये रेप में जेल जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था, इसने उसको भ्रमित करने के लिए बताया, जानती नहीं मैं फॉरेस्ट में गार्ड, वहां तो कहा मेरा वर्दी जूता लेते आना जो चरवाहे ने हमें बताया। इस नाते हमने सारे फॉरेस्ट गार्ड के, वहां रेलवे पे काम करने वाले जो इस तरह के लोग हैं ट्रैकमैन, सब की फोटो निकाल निकाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारे गार्ड की फोटो निकाल के इसके सामने भेजा गया। वही एलिमिनेशन थियरी, ये नहीं सही थी, ये नहीं सही थी, ये देखते हैं आगे बढ़ते हैं। उसी एलिमिनेशन थियरी में ये सफलता मिली। और ये वहां इसने ये कहा था, जिसे लड़की पहले दिन से कह रही कि मेरे पे काल भैरव आते और जब मेरे में समा जाते हैं तो मैं कुछ भी कर देता। इससे पूर्व भी अब छानबीन में ये पता चला है, पहले वाली जो रेप की घटना किया था वहां भी इसने काल भैरव को चला। और इसी आधार पर इसका जो हुलिया था, इसका जो स्केच है और इसके मोबाइल का जो मूवमेंट उधर का है, उस मूवमेंट के आधार पे सब पुख्ता हुआ। और इसके फोटो दिखाने के बाद लड़की ने कहा था कि 90% से ज्यादा ये फोटो उसी का मिला, जबकि फोटो थोड़ा पुराना था। किसी नाते हमारी टीम फिर पिछले 3-4 दिन से इसकी घेराबंदी में थी, लेकिन 3 दिन पहले ही अंदाज हो गया था कि ये हो सकता है, बट चूंकि जब तक कोई कंक्रीट शिनाख्त ना हो जाए तब तक हम नहीं कर सकते। इससे पहले जो पूछताछ में तो लोग ये बता रहे हैं कि रेप की 2 घटनाएं, लेकिन शंकरगढ़ से जो रिकॉर्ड हमें मिला है इसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं, एक रेप का है और एक तमंचे का, एक 15 का, एक 17 का, एक 13 का, एक 15 का। लेकिन ये पता चला है कि रेप की एक घटना, एक चोरी की घटना इसके खिलाफ, और अब हो सकता है कि वो अगर पुरानी हो और CCTNS में नहीं आ रही है, शंकरगढ़ के रजिस्टर नंबर 8 और चीज़ों को भी हम लोग खंगाल लेंगे या किसी अन्य थाने में हो गांव वाले बता देंगे, क्योंकि बॉर्डर भी तो है मध्य प्रदेश का, हो सकता है वो घटना मध्य प्रदेश में हो, आगे और छानबीन करेंगे। बहरहाल ये जो एक बड़ी शर्मनाक घटना थी, पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण घटना थी, उसका हमारी टीम ने सफलतापूर्वक अनावरण किया है। पीड़ित पक्ष ने में सबसे महत्वपूर्ण वो लड़की है जिसने पहचाना इसे, और अब जो सशेष काम की कार्यवाही, पीड़िता के परिजन किस आधार पे गांजे कबूतर दिए थे, क्योंकि लड़की ने जो हमारे पास भी उसकी तमाम पूछताछ के वीडियो क्लिपिंग है, साहब वो जो बात कर रहा था तो जैसे बुला रहा था, उसने कहा इधर से नहीं आना, पानी है जमुनिया से होके आना, ये सब ये नाटक कर रहा, ताकि लड़की को ये भ्रम रहे कि 2-3-4 लोग और पकड़े जाने के बाद इसने एक आदमी का नाम बता दिया, सब फला है कि 3 लड़के और थे। लड़की का ये कहना कि हमने केवल एक आदमी देखा है, लेकिन जब ये बात कर रहा था तो बात करने का मतलब है कि कोई ना कोई और आसपास था, जबकि इसने कोई बात नहीं की है, सिर्फ फोन करने का नाटक कर रहा था। उन दौर घर से चला है, टावर सही है, बरगढ़ आया है, टावर पे सही है, उसके बाद जो घटना के समय की फोन की बात है, ये सब इसका नाटक। इसने एक अपने गांव के आदमी का नाम बता दिया, जब वहां तक हम लोग तहकीकात किया तो पता चला उससे इसकी दुश्मनी है, उसने इसको कभी कुल्हाड़ी से वार करके घायल भी किया। तो जब पूछा गया कि उससे तो तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारे साथ इस काम में क्यों आएगा, तब टूटा कर रहा है, हमने सोचा साथ मैं तो फंसी रहा हूँ, इसको भी फंसा। मेडिकल रिपोर्ट में जो क्या कहते हैं स्लाइड है, स्लाइड में किसी तरह का कोई स्पर्मेटोजोआ नहीं पाया गया, यानी वीर पाया ही नहीं। अब पाया जाता तब उसमें होता है एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, किसका किसका, लेकिन पाया ही नहीं। लड़की नहीं, रेप, मैंने फिर बताया कि लड़की अटेम्प्ट करना भी एक रेप, और लड़की ने अपने जो बयान हुए हैं उसमें बार बार हम लोगों ने जितना पूछा है सब में कहा साहब जब तक मैं होश में थी तब तक मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है, मैं जब होश में न रही तब हुआ। बट एक बार उसने रीता सिंह जब बयान ले रही थी तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा था दीदी मुझे कि उसने फिंगर पेंट्रेट किया, और इसने स्वीकार किया कि फिंगर उसने इंसर्ट की, इसने स्वीकार किया भाई इतना अटेम्प्ट ही रेप है। सर जब आपके तक ये फोन कर रहा था लड़की साथ ये पकड़ा था, तो ले जा रहा था, फोन कैसे कर ले,
मैंने फिर यही कहा ना कि वो फोन का नाटक सिर्फ कर रहा था। लड़की का कहना है कि कान में लगता था ईयरबड और कुछ लगाया था, नाटक कर रहा, मतलब बात कर रहा। इसका कहना कि मैं नाटक कर रहा, इधर से आना उधर से आना। वहां जो चरवाहे ने सुना है कि फोन लगा के कान पे कह रहा है कि मेरी वर्दी और जूते ले आ, कोई बात नहीं इसकी, कोई काल नहीं। लड़की को अकेले इतने काम अकेले कर सकता है? अभी उसको देखेंगे आप तब आपको लगेगा कि कर लेगा। नहीं सर, दुपट्टे से हाथ बांध दिया, दुपट्टा गारमेंट से मुंह दबा दिया, पट्टी किससे बांधा? क्या जी, पट्टी किससे बांधी? पट्टी उसने लेगिंग से बांधी थी, मुंह में उसके उसके अंडर गारमेंट में आ रहा था और हाथ में उसने दुपट्टा बांधा था। अभी जरा कह रहे हैं कि बहुत बहादुर लड़की थी, वो डर रही थी। अरे बहादुर अपने जज्बात से नहीं है, उसने जो उसने लात मारा है इसके प्राइवेट पार्ट पे लगा, जिसकी वजह से ये और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन सर सारे काम तो एक साथ नहीं हो सकते ना सर। क्या चीज नहीं, हाथ भी बांध दिया, पट्टी भी बांध दिया। अरे भाई तो ये बारी बारी होने में टाइम तो लगेगा। जी जी, लेकिन उस समय तक लड़की पहचान सकती है ना कि एक ही व्यक्ति था। लड़की तो शुरू से अंत तक कर रही है, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने भी कहा है कि हमने देखा केवल एक लड़के को। आरोपी खुला है, घटना जब हम कल्पनाओं में होते हैं तो कुछ और होती है, हकीकत में जाने उसी को बुलाइए, थोड़ा सा दो चार बात।